बिहार शरीफ और सासाराम में कुछ कोशिश की गई अशांति फैलाने की, कुछ घटनाएं करने का प्रयास किया गया, कुछ घटनाएं उस प्रयास के समय हो गई, लेकिन वरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में और स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के प्रयास से बहुत जल्दी उन पर काबू पा लिया गया और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति को व्यापक पैमाने पर फैलने से रोका गया। राज्य सरकार इस बात पर दृढ़ है कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी और किसी किस्म की गड़बड़ी करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान में पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है और हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आगे कोई ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे जिससे कि आम सामान्य शांति व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जो ऐसे अंसर हैं समाज में, छोटे बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हो, उनकी भी हम पहचान करके उनको कानून के दायरे में लाएंगे। नई बात इसमें यह है कि जो सासाराम में कुछ लोग बम से जख्मी थे, कल रात में ही हमने यहाँ से FSL की टीम और डॉग स्क्वाड को भेज करके, सुबह 5 बजे हमारी FSL की टीम पहुँच गई थी और उसने जाँच करके जो वहाँ पे अंश मिला था एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का, उससे हमने ये साबित कर लिया कि वो किसी तरह का किसी के ऊपर हमला नहीं था। वो व्यक्ति स्वयं ही या तो बम बना रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे। तो वो व्यक्ति जो जख्मी हैं वो अपराधी की कैटेगरी में आए हैं, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, उनका इलाज चल रहा। जब वो बेहतर हो जाएंगे, हॉस्पिटल से छूटेंगे तो वो जेल जाएंगे। 1832 जुलूस पूरे राज्य में चल रहे थे रामनवमी के अवसर पर और ये दो स्थानों को छोड़ करके बाकी सारे सफल रूप से संपन्न हुए हैं। तो निश्चित ही जो इनपुट थी, जो उसके आधार पे प्लानिंग थी, फोर्स डिप्लॉयमेंट थी, वो सही रूप से की गई। कई बार कुछ मौके पे कुछ ऐसा होता है तो उसके आधार पर, वो भी प्रयास था, बहुत तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई की है और उसको नियंत्रित किया है। कांडों में बिल्कुल निष्पक्ष और ठोस अनुसंधान होगा। जहाँ जहाँ भी ऐसी कोई व्यक्ति इसके पीछे अगर हैं, उनको एक्सपोज करके कानून के दायरे में लाया जाएगा। सो रामनवमी के अवसर पर हर वर्ष कुछ अतिरिक्त बल, केंद्रीय बल मांग किए जाते हैं, उसी के तहत इस बार भी कुछ मांग किए गए हैं। और ये घटना के बाद भी हमने कुछ, कल रात्रि में भी मांग की थी, उसमें हमको 4 कंपनी और बल मिला है देर रात्रि में, जो आज दिन में पहुँच गया। उस सब पे कार्रवाई होगा, आप निश्चिंत रहें। एक एक वीडियो का एनालिसिस और कार्रवाई होगा, सब चीज़ की जांच होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, आप देखते जाइए। नहीं, सब जुलूस को विधिवत लाइसेंस और उसमें निर्धारित शर्तें होती हैं लाइसेंस की, उसके तहत हैं। लेकिन हाँ, कहीं अगर उल्लंघन है वो सब की तो जांच होगी, सब चीज़ फुटेज की जांच होगी, आपको बताया जाएगा ड्यू कोर्स। मुझे एक सवाल है, 144 लगा था या नहीं, इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है, तो आप लोग स्थिति स्पष्ट कर दें कि क्या लगा था या नहीं। देखिए, ये बता दिया गया कि स्थानीय प्रशासन से स्थानीय मुद्दे पूछे जाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने यहाँ पर राज्य की स्थिति आपको बता दी है और जो तैयारियाँ थी और जो स्टेप लिए गए, जो गिरफ्तारियाँ हैं वो बता दी है। धन्यवाद। थैंक यू। बाकी आप बता देंगे तो करते ही। सर, एक सवाल आपसे है, आप लगातार करते हैं कि अपराधियों को भगाओ, लेकिन आपकी पुलिस क्या अपराधियों के पीछे भागना पसंद कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? आप अपने हिसाब से प्रश्न बनाइएगा तो क्या जवाब। पिछले सवाल तो भागते हैं, सवाल भागते हैं।